सीआईए टीम ने नशा तस्करी कर रहे युवक को 50 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया। सीआईए इंस्पेक्टर जय भगवान के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रतिया रोड पर नाका लगाया। नाका देकर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने भागने का प्रयास किया तो टीम ने शक के आधार पर गाड़ी का पीछा कर कार को रुकवाया और कार को एक युवक चला रहा था। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि युवक का नाम अमरजीत है जो कि खेराती खेड़ा का निवासी है। इस दौरान पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने कार सहित युवक को भी हिरासत में ले लिया। सीआईए पुलिस ने नशा तस्करी अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया। आरोपी युवक को आज टोहाना कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपी से नशा तस्करी संबंधी पूछताछ की जाएगी। वहीं नशा तस्करी करने वाले युवक के मुताबिक उसने ये रहा मजबूरन बेरोजगारी से तंग आकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए चुनी। बेरोजगारी से तंग था, मेरे पास काम था नहीं, पैसे थे, इसलिए मैंने ये गलत काम किया। इससे मैं तौबा करता हूँ। पहले भी खेती बाड़ी करता था, कुछ ठेकेदारों इधर बेचता था कुर्ता लेकर। कमेटी को नाकाबंदी भी लगा रखी थी हमने, तो हमें मुखबरी मिली कि एक गाड़ी इस तरीके से आ रही है, तो हमने जैसे ही नाकाबंदी लगाई तो एक गाड़ी सामने से आती हुई पुलिस का नाका देख के हड़बड़ाहट में मोड़ने लगा तो वो गाड़ी बंद होगी। गाड़ी के जो सीट पे बैठा हुआ था उस आरोपी को सीट पे बैठे ड्राइविंग सीट पे बैठे काबू किया गया। काबू के बाद जब उसको उतार के 50 का नोटिस दिया गया, उसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर उसके पास हीरोइन बरामद हुई। तो उस हीरोइन को बरामद करने के बाद उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम अमरजीत सन ऑफ सुल्तान सिंह था, जाति गुजर और रत्ता खेड़ा का रहने वाला था। फिर हमें NDPS 20C 21C 61 68 NDPS के तहत दर्ज किया है और आज उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जिससे वो खरीद कर रहा है उसको आगे राउंड अप किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में 5 लाख रुपए की कीमत है। इसके खिलाफ 3-4 महीने पहले ये खुद ही बता रहा है कि हमारा सिटी फतेहबाद के अंदर मुकदमा दर्ज है जिसमें 76 ग्राम इसके पास से बरामद हुई है। सेकंड पर्चा है जो टोहाना के अंदर हमने बरामद किया है, 50 ग्राम इसके पास ही बरामद हुई।